तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में क्या होगा और हमें क्या बताया जाएगा? बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सुन्नतें सीखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और बहुत सारे आशिकाने रसूल वो होंगे जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो सुन्नतों पर अमल भी करते हैं। मगर एक थोड़ा सा मसला है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कितनी सुन्नतें मालूम हैं, तो नॉर्मली हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सरापे की सुन्नतों के बारे में पता होता है, यानी लिबास की सुन्नतें और आदाब, खाने की सुन्नतें और आदाब, चलना फिरना कैसे है, गुफ्तगु कैसे करनी है, ये बातें तो कुछ पता होती हैं। लेकिन क्या यही नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं? हमारा मौजू यही है कि ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अपने इस प्रोग्राम में हम खाने पीने की सुन्नतें और आदाब, लिबास की सुन्नतें और आदाब के बजाय किरदार की सुन्नतें और आदाब पर बात करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चेहरे पर दाढ़ी भी होती है, लिबास भी सुन्नतों वाला होता है, गुफ्तगु में भी सुन्नतों की झलक नज़र आ रही होती है, लेकिन किरदार बाज़ औक़ात सुन्नतों से दूर होता है। और इस बिना पर लोग ऐसे लोगों से दूर भी होते हैं कि बज़ाहिर सुन्नतों के पैकर नज़र आ रहे हैं मगर अंदर किरदार में वो सुन्नतें नहीं हैं। और वो किरदार की सुन्नतें कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं, मगर पहले मैं उन लोगों से भी बात कर लूँ जो तो लिबास की सुन्नतों पर भी अमल नहीं करते, सरापे की सुन्नतों पर भी अमल नहीं करते और किरदार की सुन्नतों पर भी अमल नहीं है। और बाज़ औक़ात उन लोगों के जहनों में ये बात भी होती है कि जनाब सुन्नत ही तो है ना, फ़र्ज़ तो नहीं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुन्नत एक ऐसा कमाल का काम है कि जो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़ास निगाह इनायत का गोया हकदार बना देता है। दुनिया में भी इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलती हैं और क़यामत के दिन वो इनाम मिलेगा जो हर मुसलमान के लिए एक कमाल का इनाम है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़कत अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन ज़रा गौर तो कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ जन्नत में मिल जाए और क्या चाहिए हमें। अच्छा, एक तरफ सुन्नत वाला रास्ता है जो जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ले जाता है, और एक रास्ता सुन्नत से हटकर चलने वाला है, उसके बारे में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है। अब गौर कीजिए, एक तरफ खुद नबी पाक माद अल्लाह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी महरूमी है कि उन्हें दूर फरमा रहे हैं कि हम में से नहीं है, तो जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो किधर जाएगा। तो मुबारक हो उन लोगों को जो सुन्नतों पर अमल करते हैं। तो आज से इंशाल्लाह एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम यही है कि ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हम जानेंगे हर प्रोग्राम में एक सुन्नत को और फिर उस सुन्नत को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंटेशन करें। अब बात करते हैं वो कौन सी सुन्नतें हैं जिनका हमने अपने इस प्रोग्राम में जिक्र करना है। इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में एक सुन्नत पर जिक्र करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच बोलना भी सुन्नत है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, वक्त पर कर्ज़ लौटाना भी सुन्नत है, बच्चों पर शफकत और बड़ों से प्यार से पेश आना भी सुन्नत है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना भी सुन्नत है, अपनी अजवाज अपनी जो बच्चों की माँ है उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करना भी सुन्नत है, मुस्कुराना भी सुन्नत है, पड़ोसी का ख्याल रखना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह मुसलमानों की मदद करना भी सुन्नत है, आजजी करना भी सुन्नत है, सखावत करना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह वादा पूरा करना भी सुन्नत है, गरीबों की दाद रसी करना भी सुन्नत है।
چوپایوں پر، جانوروں پر بھی شفقت کرنا سنت ہے، جانوروں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، سبحان اللہ، ایثار کرنا سنت ہے، سجدہ کرنا، عبادتیں کرنا بھی سنت ہے، رات جاگ کر رب کی بارگاہ میں آہ و فغاں کرنا، التجائیں کرنا، دعائیں کرنا بھی سنت ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ حیا بھی سنت ہے؟ جی ہاں، بے حیائی سے بچنا ہے، حیا بھی سنت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا، یہ نبی پاک کا ایک شاندار انداز ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت، رحمت امت پر جو ہے اس کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک عادتوں کا ذکر ہوگا، پیارے آقا کے ان اخلاق کریمہ کا ذکر ہوگا، جس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ کردار میں ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے، اپنے کردار کے اندر کس سنت کو ایڈ آن کرنا ہے، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوا کرے گا۔ تو اے وہ اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو بظاہر تو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کیا دل بھی سنتوں والا ہے؟ کیا کردار بھی سنتوں والا ہے؟ کیونکہ جس کا چہرہ سنتوں والا ہے، اس کا کردار تو ضرور سنتوں والا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ہر اپنی ایک ایپیسوڈ کے اندر ایک ایسی ہی سنت کا ذکر کریں گے۔ آج ایک ایسی عظیم و شان سنت کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، کہ اس پر عمل کرنے والے رب عز و جل کو کتنے پسند آتے ہیں۔ میری مراد ہے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کی تو کیا بات ہے۔ ضرور آپ کو کچھ خوبصورت واقعات بھی سنائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی بتائیں گے، اور پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے اندر کیا یہ وصف موجود ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ تکبر کی طرف تو ہماری زندگی نہیں چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے، مگر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شاندار آیت کی آپ نے تلاوت سننی ہے، کمال کی آیت ہے، ایک طویل آیت ہے، پارا ہے 22، 22واں پارا ہے سورہ احزاب، اور آیت نمبر ہے 35۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ ہوگا، پھر بات کو مزید آگے لیے چلتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے اور ایمان والیاں، اور فرما بردار اور فرما برداریں، اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی شاندار آیت کی تلاوت سنیے، اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے، کیا خوبصورت انداز میں قرآن کا اسلوب ہے، کتنی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایک لسٹ ہے
अल्लाह करे कि मेरा और आपका भी इन्हीं में शुमार होता हो। ये बहुत प्यारी खूबियां हैं नाज़रीन, देखिए हमारे अंदर हैं कि नहीं, क्या हम इन तमाम कामों में कुछ काम भी करने वाले हैं कि नहीं, कि खुदा ना खास्ता नाफरमानी करने वाले, जुल्म करने वाले, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले, किसी का माल दबाने वाले, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले, अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुँचाने वाले, वादा करके वादा तोड़ देने वाले, कर्ज लेकर वापस ना लौटाने वालों में तो कहीं हमारा नाम नहीं। यानी एक तो ये लिस्ट है ना जो नाफरमानों की मैंने बयान की, और एक कुरान ने लिस्ट बयान की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं। और यही नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज, यही अल्लाह वालों का अंदाज। तो इसी आयत में आजजी करने वाले और आजजी करने वालियों का जिक्र है, और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि आजजी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और कमाल की सुन्नत है। देखना यह है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर कितना अमल करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कुछ ईमान अफरोज वाकयात, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की शान तवाज़ो, तवाज़ो भी आजजी को ही कहते हैं, सारे आलम से निराली थी। नबी पाक की वैसे सच्ची बात यह है तमाम ही आदतें सबसे निराली हैं। मुझे मौलाना हसन रज़ा खान साहब का वो खूबसूरत शेर याद आ रहा है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार अता फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो शाहाना जिंदगी बसर फरमाएं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो एक बंदे की जिंदगी गुजारें। तो आप अलैहिस्सलाम ने बंदा बनकर जिंदगी गुजारने को पसंद फरमाया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ये तवाज़ो और इनकिसारी देखकर फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस तवाज़ो के सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जलीलुल कदर मर्तबा अता फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम तमाम औलाद आदम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बुलंद मर्तबा हैं। कयामत के दिन सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर से उठाए जाएंगे, और मैदान महशर में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, एक तरफ मर्तबा क्या है, स्टेटस क्या है, मकाम क्या है। आज दुनिया में किसी को थोड़ी दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, हुसन मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए तो पैर जमीन पे नहीं रहते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हैं जो वजह तख्लीक कायनात हैं। जी हाँ, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन, सारी कायनात ही उनके लिए बनाई गई है, रब के हबीब हैं। आपने सुना कि सबसे बुलंदो बाला है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इतनी बड़ी हस्ती है और आजजी और इनकिसारी के पैकर हैं। और सुबहान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस आजजी वाली आदत, सुबहान अल्लाह अगर गौर करें, प्यारे आका वो शाहाना जिंदगी पसंद फरमा लेते और अपनी जिंदगी शाहाना अंदाज से गुजारते तो बहुत सारे गरीब उम्मती तो यही सोचते रह जाते कि इतनी महंगी महंगी चीजें नबी पाक की सुन्नत है, हम कहां से अमल करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वो आजजी वाली जिंदगी गुजारी, वो सादगी वाली जिंदगी गुजारी कि आज ये गरीब मुसलमान भी बड़ी आसानी से उन सुन्नतों पर अमल कर सकता है, और अमीर मुसलमान भी, अमीर उम्मती भी चाहे तो सादगी इख्तियार करके उन सुन्नतों पर अमल कर सकता है। बहरहाल इंशाल्लाह सादगी भी किसी एक सिलसिले में हम प्रॉपर पूरा डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है तवाज़ो, आजजी, इनकिसारी। बड़ा खूबसूरत शेर है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला नो रावी हैं, जरा हदीस सुनिएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने असा मुबारक से टेक लगाए हुए अपने मुबारक काशाने से, अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ लाए, तो हम सब सहाबा ताजीम के लिए खड़े हो गए। नबी पाक की आमद थी तो सहाबा अदब में खड़े हो गए, तो ये देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकिसारन क्या फरमाया कि तुम लोग इस तरह ना खड़े हुआ करो कि जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की ताजीम के लिए खड़े होते हैं, मैं तो एक बंदा हूं, बंदों की तरह खाता हूं और बंदों की तरह बैठता हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, इतना बड़ा मकाम कि प्यारे आका जब मेराज की रात जन्नत की तरफ जाए तो जन्नत सजाई जाए, फरिश्ते इस्तकबाल करें, मगर अपने सहाबा से कहते हैं कि मैं तो बंदा हूं, बंदों की तरह रहता हूं। ये तालीमात है नाज़रीन, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, मगर क्या हम अपनी जिंदगी में कहीं अंदाज अपने अंदर पाते हैं? ये गौर करते जाइएगा कि क्या इस सुन्नत का मेरी जात में कोई ताल्लुक है भी कि नहीं, या बिल्कुल इसके अगेंस्ट,
इसके बिल्कुल अपोजिट में अपनी लाइफ गुजार रहा हूं। एक और हदीस पाक बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि प्यारे आका अली सलातु वस्सलाम कभी कभी अपने पीछे सवारी पर अपने किसी खादिम को भी बिठा लिया करते थे। जी हाँ, अपनी सवारी पर अपने पीछे अपने किसी खादिम को बिठा लिया करते। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि जंगे कुरैजा के दिन प्यारे आका अली सलातु वस्सलाम की सवारी के जो जानवर की लगाम थी वो छाल की रस्सी से बनी हुई थी। बड़ी सादगी, बड़ी आजजी, बड़ी नॉर्मल लाइफ नाजरी। आगे चलिए, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों की दावत भी कबूल फरमाते थे। जौ की रोटी और पुरानी चर्बी खाने की दावत दी जाती थी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम वो दावत भी कबूल फरमा लेते थे। मिस्कीनों की बीमार पुरसी फरमाते थे, फुकरा के साथ हमनशीनी करते थे, अपने सहाबा इकराम के दरमियान मिलजुल कर नशिस्त फरमाते थे। बताइए ना, अपने मुलाजमीन, अपने गुलाम, अपने सहाबा के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारना, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या हम कभी अपने मुलाजमीन के साथ बैठते हैं? क्या गरीबों के साथ बैठकर कभी खाना खाया? कभी उनको उनको ये महसूस ना होने दिया हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं? सोचिए ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम इज्जत के लिए खड़े होते थे, उन्हें गोया बना फरमाते थे, और आज हमारे लिए कोई खड़ा ना हो हमें बुरा लग रहा होता है कि मैं आया और इज्जत में खड़े नहीं हुए। बल्कि कुछ लोग तो इतने सख्त दिल हैं, मैं क्या कहूं, कि उनके सामने मुलाजिम उनका बैठ नहीं सकता। खड़े रहो, सामने खड़े रहो, बैठने की इजाजत नहीं होती, निगाहें नहीं मिला सकता कोई। बताइए ना, मेरे आका का तो ये अंदाज नहीं था। हमें कोई अमीर दावत दे तो फौरन पहुंच जाए, और कोई गरीब बेचारा अपने घर बुलाए तो हमें टाइम ही नहीं होता हमारे पास। फिर बंदा कहता है यार बहुत बिजी हूं आजकल, आपको पता ही है आजकल बड़ा जरा मसरूफ टाइम चल रहा है। ये बात तो कभी किसी सरमायादार को तो नहीं कही हमने? अपने दिल से पूछे। मैं सबको नहीं कह रहा, जो ऐसा कर रहे हैं प्लीज अपने दिल से पूछिए मैं क्या कर रहा हूं। किसी गरीब आदमी को, किसी जिसके कपड़े पुराने हो, मैला कुचैला हो, जिसको बजाहिर कोई ना पूछता हूं, अपने बराबर में कभी बिठाते? नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाया करते। बताइए ना। अच्छा, गरीब साहबी प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि हुजूर घर पे आइए, पुरानी चर्बी और खजूर की दावत है, मेन्यू भी बता दिया। नबी पाक उनके घर भी तशरीफ ले गए। मैं आपको सही बताऊं नाजरीन, जिंदगी में कभी ये प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, आप किसी बहुत बड़े मालदार सरमायादार की दावत में ना जाए ना, तो कोई आपको शायद वहां याद नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही सैकड़ों हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, एक पहले ही रौनक लगी हुई है। मगर अगर किसी गरीब, आपके अपने मुलाजिम, आपका गरीब कोई रिश्तेदार हो और आपको बड़ी मोहब्बत से दावत दे, आप उसके घर चले जाएं। बेशक खाना वैसा नहीं होगा, ये बता दूं आपको, खाना सादा सा होगा, मगर उसमें प्यार बहुत होगा, उसमें जायका बहुत होगा, उसमें मोहब्बत बहुत होगी, उसमें इज्जत बहुत होगी। और यकीन करें, खाते वक्त मुंह ना चढ़ाइएगा, बड़ी रगबत के साथ, बड़े मजे से खाइएगा इंशाल्लाह। अगर पसंद ना आए तो कुछ कहिएगा मत, लेकिन यकीन करें वो गरीब मुसलमान सारी जिंदगी याद रखेगा कि आप उसके घर आए थे। तो फिर वहां क्यों ना जाएं, जो सारी जिंदगी याद रखे, जो बाद में दुआएं भी दे। प्लीज, नबी पाक की सुन्नत है आजी, तकब्बुर नहीं करना। अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं हम कि जनाब मैं ये सारी दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, ये जो दिया है रब ने दिया है, ये जब चाहे वापस ले सकता है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, जब चाहे वो इज्जत दे और जब चाहे जलील फरमा दे, उसका हुक्म होगा वो जलील हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तकब्बुर करने वाले रब को सख्त नापसंद है। नाजरीन, शैतान के बारे में तो सुना होगा ना आपने, है? कितना बड़ा आलिम था, कितना इल्म था, इबादत के भी ढेर लगे हुए थे ना, बताया जाता है जमीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदे किए हुए थे, जन्नत का खजानची था। क्या किया था उसने? आजजी का अपोजिट जो है वो तकब्बुर है, प्राउड। शैतान ने एक ही बार तो तकब्बुर किया कि जब उससे कहा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए ना, अकेला शैतान था जो सजदे में नहीं गया। और जवाब में क्या कहा उसने कि मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन खलक तनी मिन नायूं व खलक तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को तो मिट्टी से बनाया है, मैं बेहतर हूं। इसी का नाम तो तकब्बुर है नाजरीन। हुआ क्या, रांदाए दरगाह कर दिया गया, बारगाह से निकाल दिया गया, लानती करार दे दिया गया, जहन्नमी करार दे दिया गया, एक तकब्बुर की वजह से। और आज ऐसा लगता है कि हम सुबह शाम हम में से बहुत बड़ी तादाद तकब्बुर करती है। जबान से शायद हम नहीं कहते मैं इससे बेहतर हूं, मगर स्टाइल से, अंदाज से,
एटीट्यूड से हम एहसास ये दिला रहे होते कि इसको तो कुछ नहीं आता, मैं ही सब कुछ हूँ, ये गरीब है, मेरे साथ नहीं बैठ सकता, ये मेरे साथ नहीं उठ बैठ सकता, मेरे साथ खाना नहीं खा सकता। गौर कीजिए, गौर कीजिए, आजजी सुन्नत है, तकब्बुर हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बाज़ औक़ात हम बज़ाहिर सुन्नतों के पैकर होते हैं। हम इस प्रोग्राम में आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं कि ये सुन्नत है कि नहीं आपके पास। एक एक बड़ा खूबसूरत शेर है अमीर अहले सुन्नत का, बल्कि अमीर अहले सुन्नत के कलाम के बहुत प्यारे शेर हैं कि तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम है आजजाना मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। मेरे आका तो वो हैं। और आज अगर ठीक है दुनिया की आसाइशें मिल गई हैं, लग्जरीज मिल गई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा अंदाज ही बदल जाए, वो कहते हैं टोर ही चेंज हो जाए। नहीं नाजरीन, आप अपने आप को झुका कर रखिए, आजजी का पैकर रखिए। अच्छा ये भी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार जरा इस तरह सब में घुल मिल जाएंगे ना, इस तरह सबके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। ये भी शैतान का वार है। ऐसे लोगों की इज्जत बढ़ती ही है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में भी इज्जत बढ़ती है और आखिरत में भी बढ़ेगी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मजमून है कि जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। आज भी आप बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों को जानते होंगे जो बहुत सादा हैं, हम्बल हैं, लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, आजजी के पैकर हैं, सादा सी गुफ्तगू करते हैं। खुद अमीर अहले सुन्नत को देख लीजिए ना, क्या उनकी इज्जत कम हो जाती है इन तरीकों से, इन बातों से? नहीं जनाब, लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ती ही है। बस ये हमारा अपना यूं समझिए कि दिल में फतूर है कि मैं इतना नीचे हो जाऊंगा, सबसे घुलूंगा मिलूंगा, सबके साथ बैठ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों ने जो कहना है कहने दो, रसूलुल्लाह राजी होने चाहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्योंकि आजजी करने वाले उनको भी बड़े पसंद है, क्योंकि नबी पाक की ये सुन्नत है। आगे चलते, फतेह मक्का का वक्त था। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का कॉन्कर करने के लिए, फतहा करने के लिए मक्के में एंटर हो रहे ना, हजारों का लश्कर है पीछे, एक सिपे सालार होता है, एक लीडर होता है, उसका एक अंदाज होता है, मगर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के वक्त मक्के में एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो इनकिसारी और तवाज़ो की ऐसी तजल्ली नमूदार होती है, ऐसा अंदाज नबी पाक इख्तियार करते हैं कि ऊँटनी की पीठ पर मेरे आका इतना झुके हैं कि आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जो है वो जो ऊँट के ऊपर जो कजावा लगाया जाता है उसके साथ लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान कर रहे हैं और इस तरह प्यारे आका मक्के में दाखिल हो रहे हैं। आजजी है, इनकिसारी है, फ़खर तकब्बुर करीब से भी नहीं गुजरा। बताइए ना, क्या हमारे अंदर ये सुन्नत मौजूद है? अच्छा बाज़ औक़ात तकब्बुर जो है नाजरीन, वो कई वजूहात होती है। जब भी इस तरह की प्राउड की, तकब्बुर की बात होती है तो लोग ये समझते हैं ये तो पैसे वाले करते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो नहीं करता तकब्बुर। ये भी गलती है, सिर्फ पैसे वाला तकब्बुर नहीं करता। उलमा ने 8 असबाब लिखे हैं, 8 रीजन लिखे हैं, और उसमें पहला रीजन ये कि इल्म, इल्म भी तकब्बुर लाता है, चाहे वो दुनियावी इल्म हासिल कर ले या दीनी इल्म हासिल कर ले। दीनी इल्म हासिल कर ले तो सारे लोग जाहिल नजर आने लग जाते हैं, इनको तो आता जाता ही कुछ नहीं है। दुनियावी इल्म हासिल कर ले तो बंदा कहता है मैंने इतनी डिग्रियां ले ली, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। इल्म की वजह से अपने आप को बंदा कुछ समझने लगता है। इल्म जरूर होना चाहिए, जायज उलूम जरूर सीखने चाहिए, मगर सामने वाले को हकीर तो ना जाने ना, क्या पता अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मर्तबा हो। शैतान भी तो बहुत बड़ा आलिम था, क्या हाल हुआ उसका। बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिनके पास इल्म के समुंदर थे वो, मगर अल्लाह नाराज हुआ तो सब कुछ चला गया ना। फिर दूसरा सबब उलमा ने लिखा इबादत। जी हाँ, इबादत भी तकब्बुर लाती है। बंदा नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, फिर कहते सारे ही लोग कुछ करते ही नहीं है, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, ये तो 1 वक्त नहीं पढ़ते। इबादत इसलिए नहीं करनी है कि लोगों को कमतर समझे। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाकया है कि अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे रास्ते में सफर के दौरान, और उन्होंने एक गेस्ट हाउस में आराम किया। जब उस गेस्ट हाउस में आराम करने लगे तो तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटा दोनों जागे, तो बेटे ने अब्बा से कहा कि अब्बा जान ये सारे लोग सोए हुए, कोई भी तहज्जुद के लिए नहीं उठा। तो वालिद साहब ने बड़े कमाल का जवाब दिया, फरमाया बेटा तू भी सोया रहता ना तो अच्छा ही था। समझ आई आपको नाजरीन कि तहज्जुद के लिए उठकर बाकी लोगों को हकीर समझ रहा है तो बेहतर था तू भी सोया रहता।
اب یہ بات ہم سب نے سمجھنی ہے کہ بعض اوقات ہم اچھا قربانی کا جانور کر لیں اور کسی بیچارے کے گھر پہ چھوٹا سا جانور بندہ ہو یا کوئی قربانی ہی نہ کرے، ہمیں لگتا ہے یار دیکھو اس کا دل ہی نہیں چلتا، میں کتنی بڑی قربانی کرتا ہوں، ہم حج اور عمرے کریں اور کوئی پیسہ ہونے کے باوجود بھی نفلی حج اور عمرہ نہ کرے، کیونکہ نفلی حج اور عمرہ ضروری تو نہیں لیکن انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی روزے رکھے نفلی اور کسی کو دیکھے کہ یار یہ نفلی روزے کیوں نہیں رکھتا، نفلی روزے رکھنا ضروری تو نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی فرض روزے بھی نہ رکھے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو حقیر سمجھنے والا، میرے پاس کون سا پیرامیٹر ہے کہ میں طے کروں گا کہ میں افضل ہوں اور وہ جناب اللہ کی بارگاہ سے دور ہے؟ نہیں جناب، اللہ تبارک و تعالی نکتہ نواز ہے، نہ جانے کس بنا پر کس کی بخشش فرما دے، کس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دے، بندے کو تو خود ڈرنا چاہیے کہ میں ہی سب سے کمزور، میں ہی سب سے بڑا گناہگار ہوں، اور یہی ہمارے بزرگوں کا انداز رہا، چاہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہو، چاہے وہ انبیاء کرام کا انداز ہو، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہا کرتے۔ تو بات ہو رہی تھی تکبر کن وجوحات کی بنا پر آتا ہے، اسی طرح چلیں، حسن تکبر لاتا ہے، کسی کو اچھا چہرہ مل جائے، اس کو سانولے رنگ والے ہیں، اس کو کمزور جس کو آپ کہیں جسامت والے بڑے حقیر سے لگ رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، طاقت ہے، شہرت ہے، مال ہے، حسن ہے، علم ہے، عبادت ہے، سب اللہ نے دیا ہے، کبھی اس پر پراؤڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی کے پیکر رہیں، اللہ کو جھکنے والا بہت پسند ہے۔ ہماری میمنی زبان کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے، ایک فریز ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے، اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آج سے اس پہلے پروگرام میں ایک اپنے اندر امپلیمنٹیشن لے کے جائیں، اپنی ذات میں ایک یوں سمجھے بات کو ایڈ کرنا ہے ہم نے کہ آج سے میں سب سے پیار سے بات کروں گا، اور بالخصوص اسپیشلی مسجد کے خادم نظر آ جائے نا، نارملی مسجد میں امام صاحب سے لوگ ملتے ہیں، خادم سے نہیں ملتے، وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہوتا ہے، جائیں خادم سے ہاتھ ملائیں، کبھی دل آئے تو سینے سے لگا لیں، موقع ملے نا اس کو سینے سے لگائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، یقین کریں آپ کو اس کی آنکھوں میں بعض اوقات نمی نظر آئے گی کہ شاید کئی ماہ بعد اس کو کسی نے سینے سے لگایا ہوگا، شاید بہت دنوں بعد کسی نے اس کی طبیعت پوچھی ہوگی، اگر آپ کا دفتر ہے اور دفتر کے دروازے پر گیٹ کھولنے والا کوئی ہے نا، رک جائیں، وہ روز گیٹ کھولتا ہے آپ کے لیے، آپ پہلے رکیں، اس سے ہاتھ ملائیں، طبیعت پوچھیں، خیریت پوچھیں، یقین کریں اس کی چہرے کی خوشی آپ دیکھیں گے، آپ کے ہو سکتا ہے باورچی ہوں گے، ڈرائیور ہوں گے، صفائی کرنے والے آفس میں، گھر میں ایسے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو گھر میں کام کرنے والیاں آتی ہیں، ان سے ان کی طبیعت بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کریں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے کھانا بنایا آپ کے لیے، تو کبھی اس طرح کا انداز بھی اپنائیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے جو تکبر کا غبار ہوتا ہے نا وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، کلف اتارنا بھی تو ضروری ہے نا، شروع شروع میں مشکل لگے گا لیکن جب آپ ان کے چہروں پر خوشی دیکھیں گے، ان کے دل کی رمق دیکھیں گے، آنکھوں میں چمک دیکھیں گے، آپ کو بھی مزہ آنے لگ جائے گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے میں بھی عاجزی کا پیکر بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لے کر حاضر ہوں گے، لیکن آج نیت ضرور کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم نبی پاک کی سنت عاجزی کو اب اپنانا شروع کریں گے، اور تکبر سے اور اکڑ سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر